सत श्री अकाल जी, मैं ढाडा अपना धर्म जी डीपी तो तुम देते पे जी। मेरा डीपीसी पंजाबी तो ढाडा एक बार फिर तो स्वागत आ दोस्तों। जिमें कि तुहानू पता ही है कि असी पंजाब दे विच गुरदासपुर जिले नू एक्सप्लोर करन दी कोशिश करते पे हाँ। गुरदासपुर जिले दे विच जिहड़ा आ काफ़ी कुछ ऐसियां जगह ने जिहड़ियां तुहानू नहीं पता, जां जे पता भी है तो शायद तुसीं उस तो जाणू नहीं हो, जां उस दी इतिहास तो तुसीं जाणू नहीं हो। असी वो सारियां चीज़ां एक्सप्लोर करके तुहाडे तक पहुँचाउण दी जिहड़ी है कोशिश करते पे हाँ। साडा पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती है, तो जिला गुरदासपुर संतां महंतां ते नाथां दी धरती है। तुहानू दस दईए कि इस टाइम मैं तुहानू जिला गुरदासपुर दे बहुत ही मनमोहक मंदिर जिहड़ा कि एक नेचर नाल भरिया होया मंदिर आ, धरती नाथ जी दा मंदिर, धरती नाथ जी जिहड़े ने गुरदासपुर शहर दे विच जिहड़े संत होए ने, इन्हां संतां दी इस धरती दे उत्ते इस मंदिर दे उत्ते धरती नाथ मंदिर गुरदासपुर दे विच असीं मौजूद हाँ। तुहानू पूरे दा पूरे मंदिर दा जिहड़ा आ इस टाइम असीं दृश्य जिहड़ा आ दर्शन करवावांगे। नाल दी नाल इत्थे मौजूद समें दे जिहड़े महंत ने उहनां दे नाल वी गलबात करावांगे, ते इत्थों दे पूरे इतिहास दी जिहड़ी तुहानू जिहड़ी है जानकारी देण दी कोशिश करांगे। ते आओ चलदे आं गलबात करदे आं महंत जी दे नाल, ते नाल दी नाल तुहानू जिहड़े आ दर्शन करवाउने आ सारे मंदिर दे चार चुफेरे दे। आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं नाथ संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मेरे नाम योगी बाबा शनिनाथ है, शिष्य ब्रह्मलीन सदगुरु बाबा भैरवनाथ जी, नटेश्वरी पंथ। संत जी, जिवें कि मंदिर का नाम जो आ धरती नाथ जी का मंदिर, धरती नाथ जी कौन सी ते किन्ने चिर तो ये जिहड़ा संप्रदाय चलता पिया? देखिए, ये नाथ संप्रदाय जो है ये भारत तथा समग्र विश्व का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ये संप्रदाय आदिनाथ शिव जी से शुरुआत हुई और गुरु गोरक्षनाथ जी इसका पट परिवर्तन की। कालों की चक्र में बहुत सारे संत भारत की इस पवित्र भूमि में जन्म लिए, अपने अवतार स्वरूप लिए और धर्म जाति और देश के हित आपने कार्य किए। ऐसे ही एक पंजाब गुरदासपुर में एक संत हुए बाबा धरतीनाथ जी, जिसके महानतम साधना एवं महानतम सिद्ध की आप निदर्शन देख रहे हैं कि आज गुरदासपुर शहर में बाबा धरतीनाथ जी का नाम से मठ बने हुए। ये सामने जो समाधि है ये बाबा धरतीनाथ जी की समाधि है। बाबा धरतीनाथ जी ये प्राचीन समय में यहाँ तपस्या किए और नगर शहर सबकी कल्याण किए, यहाँ का जाति का कल्याण किए, जनजीवन का कल्याण किए। तथा के बाद से उसके परंपरा चले आ रहे, हमारे पहले हमारे परम पूज्य गुरु जी बाबा भैरवनाथ जी यहाँ पे गद्दी नशीन थे, उसने भी इस मठ का रूपांतर किए हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं, मठ को तैयारी किए हैं, समाज को एक नया सूचना दिया है। नाथ संप्रदाय की ज्ञान जो है, नाथ संप्रदाय की जो भाषा है, नाथ संप्रदाय की जो रीति नीति है, जो कार्य पद्धति है, वो समाज को सिखलाए उसने। और गुरु जी के दिए हुए रास्ते में हम लोग भी चलने की कोशिश कर रहे हैं और आगे चल के हम भी चाहते हैं कि हमसे भी समाज का कुछ कल्याण हो, जाति तथा समग्र देश की कुछ कल्याण हो, गौ माता की कल्याण हो, यहाँ गुरदासपुर के सभी भक्तों की कल्याण हो, यही इच्छा है मन की। मन जी, जैसे कि गौशाला के बारे में आपने बात की, आपकी यहाँ गौशाला में कितनी गायें हैं अभी तक? अभी हमारे पास 200 से 250 की तरह अंदर में गाय और बछड़ा मिला के हैं। तो इनकी जो सेवा कार्य के लिए कितने लोग मौजूद हैं? सेवा कार्य के लिए तो यहाँ गुरदासपुर के सभी मौजूद हैं। ये गुरदासपुर के शहर के जितने भी भगत हैं सभी आते हैं यहाँ सेवा करते, कोई कम करते कोई ज़्यादा करते, मगर वो भी हम गौशाला की गौ माता की देख रेख के लिए, गौ माता की साफ़ सफाई के लिए भी 6 स्टाफ रखा हुआ है, तो 6 कर्मचारी यहाँ पे अपने कर्म करते सेवा करते दिन भर। और जैसे कि हमने सुन रखा कि बाबा धरतीनाथ जी थे जो जिस शहर के काफ़ी ज़्यादा करीब थे, बहुत सारे लोग उनको प्यार भी करते थे और गुरदासपुर के साथ वो भी बहुत प्यार करते थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं थी, आज भी लोग धरतीनाथ का नाम सुनते ही मतलब हो जाते हैं कि खुश हो जाते हैं, तो काफ़ी संगत आती है, कौन कौन से त्यौहार जहाँ पे स्पेशल मनाए जाते हैं? देखिए, एक पहले कारण है, पहले ये जानना पड़ेगा संत की जो भाषा है, संत की जो रीति नीति है,
ये तो बरसों पुरानी है। पहले ज़माने की टाइम में इतने बड़े बड़े नर्सिंग होम, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े कॉलेज नहीं होते थे। उसी टाइम में जगत क्या है, ये तो धर्म के गुरु है, शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल और गुरुओं के पास जाते थे, और गुरुओं के पास आते थे इस कारण से उसकी शिक्षा लेने के लिए। पकड़ लीजिए जैसे उसी टाइम में बहुत बड़े बड़े महामारी होते थे जिसमें गांव के गांव उजाड़ हो जाती थी, बहुत सारे आदमी मर जाते थे, तो उसी टाइम में क्या करते थे, ये संतों के पास आते थे। तो संतों के पास क्या थे, संतों के पास गुरु ज्ञान से उसके पास ये रोग को नाश करने की दवा रहते थे। तो उस दवा दे के वो क्या करते थे, संतों क्या करते थे, गाँव से गाँव को बचा देते थे। तो आदमी अचानक गाँव के गाँव जितने भी है सब आ जाते थे संतों के पास माथा टेकने के लिए। वो परंपरा चले आ रहे, शिक्षा की भी परंपरा चले आ रहे, आज भी चल रहे, इसीलिए बाबा धरतीनाथ की ये जय जयकार है। और अभी इसी समय में हम यहाँ पे शिवरात्रि के त्यौहार मनाते हैं, हम यहाँ नवरात्रि के साल में दो नवरात्रा मनाते हैं, होली के त्यौहार मनाते हैं, जन्माष्टमी के त्यौहार मनाते हैं, बाबा जी की बरसी की रीति मनाते हैं। ऐसे 12 महीने में हमारा जो चलते आते, हर एक महीने में ही हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम चलते है। संत जी जिमें कि तुम दसा कि उदो कोई होस्पिटल वगैरह नहीं सी है, हूँ भी जोड़ा आ बहुत सारे ऐसे रोग ने जोड़े होस्पिटलों से जाके ठीक ही नहीं होंगे, फिर असी जरूर लभदे हाँ कि सानू कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मंदिर या ऐसा कोई संत टकरे जोड़ा सानू थापड़ा दे तो सानू दवाई लगनी शुरू हो जाए, जा कई थावां ते जाके सानू जी संतां दे कोलों दवाई भी सानू पता लगे कि धरती नाथ जी के मंदिर के उत्ते एक जड़ा आ टाइफाइड ज बुखार का धागा पाया जाता सी, पाया जाता सी जा हुण भी पाया जाता, अभी भी पाया जाता है, ये तो परंपरा चले आ रहे। अभी टाइफाइड की, आपकी पीलिया की, आपकी टीबी की, आपकी बुखार की, फिर आपकी बंधत की, ये सब की दवाई यहाँ पे दिए जाते हैं, वो भी आयुर्वेदिक रूप से, प्राचीन अपने गुरु पीरों की जो संस्कार है उसका जो दिया हुआ शिक्षा है उसी रूप से आज भी दिया जाता है। बहुत बहुत सारे जो है शहर की नहीं, शहर की बाहर से भी तो यहाँ पे आते हैं बाबा धरतीनाथ की कृपा से, बाबा भैरवनाथ जी की कृपा से, वो यहाँ से सुस्त होके जाते हैं तो दोबारा फिर दूसरे को ले आते हैं। संत जी जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मर्जों की जो है दवा मिल जाती है, और मैं संतों को बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि जो आपके यहाँ से दवाई लेते हैं उनको कोई शुल्क पक्का देना पड़ता है या फिर नहीं? नहीं, या तो कोई मतलब ये तो सेवा है अपने तरफ से, हमारे गुरु पीर भी यहाँ बैठ के शहर का सेवा ही किया है, ये पूरा निःशुल्क है, यहाँ पे इसके लिए कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सभी आके यहाँ पे निःशुल्क दवाई लेते हैं, फिर बाबा धरतीनाथ और बाबा भैरवनाथ की समाधि में माथा टेकते रहे, उनकी दया से, दया दृष्टि से, कृपा से वो मरीज जल्दी सुस्त हो जाती है, तो उसके बाद वो क्या सेवा करता है उसका मर्जी है। संत जी आखिरी सवाल, अपनी संगतों को की संदेश देना चाहते हो, जिमें कि अजकल नशे दे विच नौजवान पीढ़ी जी है वर्दी जा रही है, उस नौजवान पीढ़ी में अज दी संगतों को की मैसेज दोगे? पहले तो ये समाज को अपने तरफ से यही समाचार मैं देना चाहता हूँ कि पहले अपने संस्कारों की, अपने पूर्वजों की दिया हुआ जो संस्कार है ये संस्कार को पालन करके चलो, ये संस्कार की बाहर ना जाओ, दूसरे की दिखावटी दुनिया में मत पड़ो, अपने प्रकृति का रक्षा करो, अपने माता पिता गुरु पीरों का इज्जत करो, ज़्यादा से ज़्यादा नारी जाति का सम्मान करो, नारी जाति जो होती है माँ का स्वरूप होती है, नारी जाति का सम्मान करो, नारी का इज्जत करो, प्रकृति से प्रेम करो, जीव जंतु से प्रेम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और समाज को दूषण मुक्त बनाओ, और नशा पत्ता आदि इतने से अपने आप को 100 कोस दूर में रखो। हुणे हुणे तुसी संत जी तो सारी हिस्टरी सुनी लई है, धरतीनाथ जी बारे भी तुसी जानकारी लै लई है, तो नाल दी नाल जिहड़ी एक बहुत ही गूढ़ रहस्यमय जिहड़ी गल निकल के सामने आई कि जदों होस्पिटल डॉक्टर घट सी तां उदों लोग जिहड़े ने इधर उधर जाके संतां महापुरशां तों जिहड़ा आ अपने मर्ज़ दी दवा भालदे सी, दवाई भालदे सी, तो उस समय की रीत जी अज भी चलती पई है, बहुत सारे मर्जा की जी दवा इतों मिलती है, तुम धरतीनाथ मंदिर आ के दर्शन दारे धरतीनाथ जी के मंदिर के कर सकते हो, नाल दी नाल जड़ा आ जेकर तू दसे गए रोगों के किसी तरह का कोई रोग है तो वह जड़ा इतने बहुत ही वधिया इलाज की दवाई जी मिल जाती है, तो बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है।
ऐसे बहुत सारे मंदिर तो बहुत सारे जड़े तीर्थ स्थान गुरदासपुर के आले दुआले ने वो भी तुहानू दिखाए जाएंगे। साढ़े चैनल ना बने रहो, चैनल को सबसक्राइब करके बैल का बटन जरूर दबा लो ताकि कोई भी वीडियो तुहाडे तो मिस ना हो सके। धन्यवाद।